भोले शेरा वाले भक्त मैया की जय। शरणागत दीनार्ता परित्राणाय परायने सर्व सातिहृ देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली आदिशक्ति मैया की जय। जगजननी मैया की जय। तृतीय दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह से लेकर 6:09 तक करें, और नहीं तो उस मुहूर्त में अगर नहीं कर पाएँ तो फिर जैसे 9 से लेकर 11 के बीच में माँ का पूजा करें। और उस दिन जो है दूसरे दिन तीसरे दिन का जो भोग है वो माँ को दूध का भोग लगाएं। दूध का भोग लगाने से माँ जो है उस भक्त का जो अन्यासय जो दुख आ रहा है उसका वो निवारण करती है। इसलिए उस दिन विशेष रूप से माँ को दूध का जो है अन्यासय जो परेशानी आ रहा है, अन्यासय में जैसे आदमी रोग व्याधि चोट चपेट हो जाना, ज्ञात अज्ञात शत्रु का आना, तो ये अन्यासय हो जाता है, तो उसमें अगर इसका भोग लगाते हैं उस भक्त का कल्याण होगा। तृतीय दिन जो है माता को चंद्र घंटा के रूप में उनकी पूजा किया जाता है। तो चंद्र घंटा में माँ सिंह पर सवार विशाल रूप धारणी और अष्टभुजी माता कमंडल लिए हुए हैं। तो माता जो हैं अपने भक्तों पर असीम कृपा दया रूप में बनाए हुए हैं। उस भक्त को इस रूप में यदि माँ को सफ़ेद अपराजिता का फूल चरणों में चढ़ाकर तृतीय दिन मंत्र के द्वारा कालिकाम तु कालितिताम कल्याण हृदा शिवाम कल्याणम जन्य नित्यम कल्याणी प्रणाम्य हम, इस मंत्र को बोलकर अपराजिता फूल चढ़ाती हैं। उस भक्त को जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, इसलिए सफेद अपराजिता फूल को चढ़ाती, इस मंत्र को चंद्र घंटा के नाम से चढ़ाती।